Dear students, readers and viewers of this channel, S. Prasad Fundamental Math, ये मैं compound angle का part 5 बताने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ problems हैं। तो देखिए, question number one, ये कहता है cos 80 degree cos 80 degree plus cos 40 degree or plus cos 20 degree. एक मिनट सो cos 20 degree इसका वैल्यू जीरो होगा, ये आपको प्रूफ करना है. Prove that. तो देखिए, इसको prove that करना है. Prove. आप यहाँ लेकर चलें LHS, LHS is equal to cos 80 degree. Cos 80 degree plus cos 40 degree plus cos 20 degree. तो देखिए कितना के बराबर होगा. This is equal to यहां लिख सकते हैं cos 60 degree प्लस 20 डिग्री, इतना लिख सकते हैं. और 40 डिग्री को लिख सकते हैं cos 60 डिग्री और माइनस 20 डिग्री, इतना लिखा जा सकता है. प्लस cos 20 डिग्री तो ये देखिए cos a plus b plus cos a minus b के बराबर है. तो ये वैल्यू हो गया 2 cos a यानी 60 डिग्री और प्लस ये इनटू cos 20 डिग्री, इतना के बराबर हो गया. सॉरी, ये माइनस 20 डिग्री, ये माइनस 20 डिग्री, तो ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, तो इतना हो गया माइनस कॉस 20 डिग्री. और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 इनटू कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, तो वैल्यू यहां पर हो गया कॉस 20 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री और इस कारण से वैल्यू हो गया 0 इज इक्वल टू RHS. RHS इतना हो गया, प्रूव हो गया. अब दूसरा प्रॉब्लम देखिए. देखिए, प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर टू, प्रूव दैट
prove that cos 20 degree cos 20 degree into cos 60 degree 40 degree into cos 60 degree ये साइन साइन में रहेगा पहले पहले साइन काम देखते साइन 20 डिग्री इनटू साइन 40 डिग्री इनटू साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री इनटू साइन 80 डिग्री is equal to 3 by 16 इतना प्रूफ करना है ठीक है तो देखिए कैसे कैसे ये होगा देखिए देखिए पहले आप इसको सिद्ध करें प्रूफ पहले इसको लेकर के चले बी है साइन 20 डिग्री साइन 20 डिग्री इनटू साइन 40 डिग्री इनटू साइन 80 डिग्री इसका मान लेकर के आप चले निकालें साइन 60 डिग्री तो स्पष्ट है कि 1/2 होगा तो इसका मान निकालें तो इसके लिए आप 1/2 से यहां गुणा करें और साइन यहां 2 साइन 20 डिग्री 2 साइन 20 डिग्री इनटू साइन 40 डिग्री इनटू साइन 80 डिग्री इसको लेकर के चले तो आप चाहें तो ऐसे ब्रैकेट लगा दें 1/2 2 साइन 20 डिग्री 2 साइन 20 डिग्री इनटू साइन 40 डिग्री और इसको साइन 80 डिग्री इसको अलग रखिए इसको इस प्रकार से बदल करके लिखें दिस इज इक्वल टू 1/2 इनटू 2 साइन 40 डिग्री आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री ये सॉरी 2 साइन 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री और यहां लिख सकते हैं साइन 40 डिग्री एक मिनट 2 साइन 20 डिग्री 2 ये सॉरी ऐसे गलत लिखा जा रहा है 2 साइन
40 degree into sine 20 degree into sine 20 degree 2 sin a into sin b का फार्मूला लगेगा into sin 80 degree into sin 80 degree. तो देखिए कितना मान हो जाएगा, this is equal to 1 by 2 और इसका मान कितना होगा 2 sin a into sin b का फार्मूला लगाइए. तो ये फार्मूला हो जाएगा cos of a minus b, a minus b यानी 40 minus 20 degree minus cos 40 degree plus 20 degree. और इनटू साइन 80 डिग्री. तो अब देखिए मान कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/2. ये हो गया कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री और ये हो गया माइनस कॉस 60 डिग्री इनटू साइन 80 डिग्री इनटू साइन 80 डिग्री. दिस इज इक्वल टू 1/2 कॉस 20 डिग्री और माइनस कॉस 60 डिग्री 1/2 हुआ इनटू साइन 80 डिग्री. देखिए क्लियर है, दिस इज इक्वल टू 1/2 कॉस 20 डिग्री, ऐसे लिखिए cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री into sin 80 डिग्री into sin 80 डिग्री. ये हो गया एक ब्रैकेट में माइनस 1/2 के जगह पर 1/4 हो गया 1/2 cos 20 डिग्री into sin 80 डिग्री माइनस 1/4 sin 80 डिग्री. ये हो गया. अब यहां लिखें this is equal to 1/2 अब 1/2 का 1/4 हो गया और यहां हो गया 2 cos 20 डिग्री into sin 80 डिग्री. तो इसको आप ऐसे लिखें उलट करके 2 sin 80 डिग्री into cos 20 degree into cos 20 degree minus 1/4 sin 80 degree. अब टू sin into cos b का फॉर्मूला इसमें लगाएं तो यह आएगा this is equal to 1/4 और यहां 2 sin a into cos b तो यह आ जाएगा sin a plus b
तो 2 साइन 120 डिग्री अधि 80 प्लस ये 100 डिग्री 2 साइन 100 डिग्री और ये सॉरी 2 नहीं साइन 100 डिग्री माइनस ये माइनस नहीं प्लस साइन 60 डिग्री इतना आ जाएगा माइनस 1 by 4 sin 80 degree तो ये इतना हो गया अब यहां लिखेंगे sin 60 का मान root 3 by 2 हुआ तो this is equal to 1 by 4 और ये sin sin 180 sin 100 degree और ये हो गया root 3 by 2 sin 60 degree minus 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 4 साइन 80 डिग्री साइन 80 डिग्री इतना के बराबर हो गया तो अब यहां लिखें दिस इज इक्वल टू 1 बाय 4 साइन 100 डिग्री साइन 100 डिग्री और प्लस 1 बाय 8 प्लस रूट 3 बाय 8 रूट 3 बाय 8 यहां 8 हो गया सॉरी ये आपको साइन यहां से देखें गलत तो नहीं है दिस इज इक्वल टू साइन यहां इनटू अच्छा ठीक माइनस ठीक है माइनस 1 बाय 4 साइन 80 डिग्री ये इतना हो गया तो साइन 100 डिग्री और साइन 80 डिग्री है इसको इस प्रकार से लिखा दिस इज इक्वल टू 1 बाय 4 यहां लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस रूट 3 बाय 8 और माइनस 1 बाय 4 साइन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री ऐसे लिखेंगे तो ये हो गया cos 10 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1 बाय 4 ये sin 90 डिग्री प्लस थीटा यह cos 10 डिग्री के बराबर हो गया cos 10 डिग्री और प्लस root 3 बाय 8 और माइनस 1 बाय 4 ये cos 20 डिग्री हो गया cos 20 डिग्री हो गया sin 90 माइनस थीटा cos थीटा अति cos 10 डिग्री सॉरी cos 10 डिग्री तो अब यहां पर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया दिस इज इक्वल टू
रूट थ्री बाई एट कितना होगा। तो देखो आप लिख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर दो रहा, तो देयरफोर यहां लिख सकते हैं देयरफोर साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री दिस इज इक्वल टू रूट थ्री बाई एट और इंटू साइन 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू रूट थ्री बाई एट और इंटू रूट थ्री बाई टू तो वैल्यू हो गया 3/16 और यही RHS हो गया RHS। ये प्रूव हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थ्री लीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री प्रूव दैट प्रूव दैट कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू वन बाई सिक्सटीन इसको निकालना पड़ेगा 1/16 1/16 तो प्रूफ देखिए प्रूफ आप 60 डिग्री को रहने दीजिए बी है यहां निकालिए बी है कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री इनका मान निकालिए पहले तो यह ऐसे करिए 1/2 से मल्टीप्लाई करिए दिस इज इक्वल टू 1/2 और यहां ब्रैकेट में लिखे 2 cos 40 डिग्री
into cos 20 degree into cos 80 degree, ये लिखिए। तो यहां पर ब्रेक करके आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 और यहां बड़ा ब्रैकेट दें 2 cos यहां 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री एक मिनट 2 cos a into cos b 40 डिग्री एक मिनट 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री एक मिनट ये 40 डिग्री यहां 40 डिग्री है 2 cos a into cos b तो यहां लिखा होगा 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री और प्लस cos 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री ऐसे लिखा जाएगा ये 2 cos a into cos b का फार्मूला हुआ यहां 2 नहीं रहेगा cos a plus b plus cos a minus b का मान हुआ ही और into cos 80 डिग्री into cos 80 डिग्री तो देखिए कितना हो गया this is equal to 1 by 2 यहां पर हो गया cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री और प्लस cos 20 डिग्री ये हो गया cos 20 डिग्री into cos 80 डिग्री into cos 80 डिग्री this is equal to 1 by 2 और ये हो गया 1 by 2 plus cos 20 degree into cos 80 degree ये हो गया तो इसको multiply कर दें तो ये हो गया 1 by 4 cos 80 degree और plus 1 by 2 plus 1 by 2 cos 20 degree into cos 80 degree ये हो गया तो this is equal to 1 by 4 cos 80 degree cos 80 degree और इसको लिखें plus 1 by 2 का लिखें 1 by 4 और यहां 2 cos 80 degree cos 80 degree into cos 20 degree ऐसे लिखें और फिर 2 cos a into cos b का फार्मूला लगाएं तो देखिए ये आएगा 1 by 4 cos 80 degree cos 80 degree plus 1 by 4 plus 1 by 4 यहां पर फार्मूला लगा दें 2 cos a into cos b का
तो 2 cos 100 डिग्री, ये cos 100 डिग्री ऐसा आएगा, cos 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री और प्लस cos 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री ये आएगा। और पुनः इसको लिख सकते हैं 1/4 cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री और यहां लिखें प्लस 1/4 cos 120 डिग्री, cos 100 डिग्री, cos 100 डिग्री और यहां हो गया cos, ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 cos 60 डिग्री ये हो गया। फिर यहां लिखें दिस इज इक्वल टू 1/4 cos 80 डिग्री को लिखें cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री और दूसरे को लिखें प्लस 1/4 cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री और प्लस 1/4 और इनटू 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू 1/2 तो अब मान हो गया देखिए यहां 1/4 ये हो गया sin 10 डिग्री, sin 10 डिग्री और ये हो गया माइनस 1/4 sin 10 डिग्री, sin 10 डिग्री और प्लस 1/8 हो गया, 1/8 हो गया ये हो गया। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, वैल्यू 1/8 हो गया। तो यहां निकल गया देयरफॉर ये चीजें अलग है, मैं इसको छोड़ दिया हूं। देयरफॉर cos 20 डिग्री इनटू cos 40 डिग्री इनटू cos 60 डिग्री इनटू cos 80 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/8 इनटू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/8 इनटू 1/2
तो ये एक बटे वन बाय टू, तो ये वैल्यू हो गया वन बाय सिक्सटीन। ये हो गया आर एच एस, ये चला है। ये हो गया सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, प्रूव दैट टेन 20 डिग्री इंटू टेन 40 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन या प्रूफ लिखेंगे इसे। बी है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू, ये 3/16 आया है, ये 3/16। एंड दूसरा निकला कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1/16। ये है, तो दोनों इक्वालिटी को डिवाइड करिए। डिवाइडिंग द टू इक्वालिटीज, द टू इक्वालिटीज 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 we get देखिए इतना आ जाएगा tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री इज इक्वल टू 3/16 और ये आ जाएगा 16/1। सॉरी डिवाइडेड है ना, तो ये आ जाएगा 16/1, तो दिस इज इक्वल टू 3। ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अब मैं इस वीडियो को यहां पर समाप्त कर रहा हूं, और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।